वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 29 फरवरी 2020 और 29 फरवरी 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे है, ये 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? तो सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी 28 फरवरी को, इसीलिए हर साल 28 फरवरी को ये नेशनल साइंस डे बनाया जाता है। अच्छा, इस बार के नेशनल साइंस डे का सब्जेक्ट आपको याद रखना है, तो इस बार के नेशनल साइंस डे का सब्जेक्ट है विमेन इन साइंस। क्या है? विमेन इन साइंस। अच्छा, जो सर सीवी रमन थे उनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब मिला था नोबेल प्राइज? 1930 में। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है और फरवरी के सारे इंपोर्टेंट डे कल ही मैंने आपको रिवाइज कराए हैं। अब आप वीडियो को पॉज करिए और फरवरी में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप लिखिए। अच्छा, पूरे फरवरी के इंपोर्टेंट डे का मैंने अलग से एक ऑडियो भी बना दिया है, पूरा डिटेल में उस ऑडियो मैंने सारे इंपोर्टेंट डे बताए हैं। अगर आप उस ऑडियो को सुनना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिविजन करके लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके उसे सुन सकते हो। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के अधिकार प्रस्ताव से खुद को अलग किया है? तो अभी श्रीलंका ने संयुक्त राष्ट्र के अधिकार प्रस्ताव से खुद को अलग कर लिया है, यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। युद्ध अपराधों की जांच के लिए था यह संयुक्त राष्ट्र का अधिकार प्रस्ताव और इस प्रस्ताव से अब श्रीलंका ने खुद को अलग कर लिया है। अब श्रीलंका ने अलग किया है तो यह है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोताबिया राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। अच्छा, ये जो आपको मैप में श्रीलंका दिख रहा है, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो पाक की खाड़ी है। स्पेलिंग याद रखना, पी ए एल के, पाक की खाड़ी है, और इंग्लिश में कहते हैं पाक स्ट्रेट। इन्हीं में से पाक की खाड़ी या पाक जल डमरू मंडल भी कहा जाता है। अब संयुक्त राष्ट्र का था ये अधिकार प्रस्ताव, तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, और इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया है? तो अभी 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इसका उद्घाटन किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। यह है नरेंद्र सिंह तोमर और यही है प्रेजेंट टाइम पे हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और इन्होंने ही इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 27 फरवरी 2020 को भारत का पहला प्रोटीन दिवस मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही है। भारत में प्रोटीन के स्वास्थ्य लाभ के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए और लोगों का प्रोटीन से जो प्रॉफिट होते हैं उसके प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए अब ये प्रोटीन दिवस मनाया जाया करेगा हर साल 27 फरवरी को। तो इस बार भारत में पहला प्रोटीन दिवस मनाया गया है 27 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में सुधाकर चतुर्वेदी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सुधाकर चतुर्वेदी ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये थे सुधाकर चतुर्वेदी। और इनका जो एक्चुअल नाम था वो था सुधाकर कृष्ण राव, क्या था? सुधाकर कृष्ण राव, और इनको सुधाकर चतुर्वेदी के नाम से जाना जाता था, और अभी इनका निधन हो गया है। ये वैदिक विद्वान भी थे, क्योंकि चारों वेदों का ज्ञान था इनको, तो इन्हें वैदिक विद्वान भी कहा जाता था, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप चैटबॉट का इस्तेमाल करने वाली पहली इंश्योरेंस कंपनी कौन बनी है? तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस व्हाट्सएप चैटबॉट का इस्तेमाल करने वाली पहली इंश्योरेंस कंपनी बन गई है, यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस बनी है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? संजीव श्रीनिवासन। कौन है? संजीव श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तट रक्षक के अपतटी गश्त पोत आईसीजीएस वरद को कहां कमीशन किया गया है? तो अभी चेन्नई पोर्ट पर भारतीय तटरक्षक के अपतटी गश्त पोत आईसीजीएस वरद को कमीशन किया गया, यानी किस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है आईसीजीएस वरद, और इसको अभी चेन्नई पोर्ट पर कमीशन किया गया है। अब इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय शिपिंग मंत्री मनसुख मंडाविया ने। किसने? मनसुख मंडाविया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली सेवा लॉन्च की है? तो अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने आधार इनेबल्ड पेमेंट स्कीम शुरू की है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, और इसका फायदा क्या है? इस सिस्टम का फायदा यह है कि अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है और आपका अकाउंट अगर आधार से लिंक है, तब आप एयरटेल पेमेंट बैंक के किसी भी बैंकिंग पॉइंट पर जाकर लेन देन कर सकते हो। और दूसरा प्रॉफिट यह है कि अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर हो, तो एयरटेल पेमेंट बैंक का जो आपका अकाउंट है, उससे आप किसी भी बैंक से आधार से लेन देन कर सकते हो। तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। अब एयरटेल पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2017 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? अनुव्रता विश्वास। कौन है? अनुव्रता विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्मार्टफोन कंपनी ने इसरो की एनएवीआईसी तकनीक का उपयोग करने की घोषणा की है? तो अभी ज़ियोमी ने इसरो की एनएवीआईसी तकनीक का उपयोग करने की घोषणा की, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो शाओमी कंपनी है, अब इसके सभी मोबाइल में ये इसरो की टेक्नोलॉजी आएगी। जो एमआई कंपनी के मोबाइल अब आएंगे, उनमें सब में एनएवीआईसी टेक्नोलॉजी आएगी। जैसे जीपीएस आता है, उसी तरह से अब ये टेक्नोलॉजी भी आएगी। और इस टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है कि इस टेक्नोलॉजी को इसरो ने डेवलप किया है, और इससे भारत के किसी भी स्थान को बहुत आसानी से और बहुत सटीकता के साथ ट्रैक किया जा सकता है। तो अब एमआई के सभी मोबाइल में ये एनएवीआईसी टेक्नोलॉजी आएगी। एनएवीआईसी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कंस्टेलेशन। क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कंस्टेलेशन। अब साउमी ने यह घोषणा की है, साउमी यानी कि एमआई, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बीजिंग में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? लियू जुन। कौन है? लियू जुन। और इस टेक्नोलॉजी को इसरो ने डेवलप किया है। इसरो इंपोर्टेंट है, इसरो की फुल फॉर्म ही कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर में। और इसरो के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? के शिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएनएल एफटीटीएच और वाईफाई सेवाओं का शुभारंभ कहां किया गया है? तो अभी देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर बीएसएनएल की एफटीटीएच और वाईफाई सेवाओं का शुभारंभ किया गया, यानी किस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर जो भी यात्री आते हैं, वो इस सेवा का फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, एफ टी टी एच, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फाइबर टू द होम। फाइबर टू द होम, तो एफ टी टी एच की फुल फॉर्म होती है। अब उत्तराखंड के देहरादून में ये शुरू की गई है, और इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसका नाम लेंका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो अभी श्रीकर प्रसाद का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, यानी किस क्वेश्चन का? सी ऑप्शन सही है। सबसे ज्यादा भाषाओं में फिल्मों का संपादन करने की वजह से इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इन्होंने अभी तक 17 भाषाओं में फिल्मों का संपादन किया है, और अभी इनकी जो लेटेस्ट मूवी है वो है सुपर 30। क्या है? सुपर 30। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मवेशियों की मूल प्रजातियों को बचाने के लिए अनुवांशिक अध्ययन करने की घोषणा की है? तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है कि जो मवेशियों की मूल प्रजातियां हैं उनको बचाने के लिए अनुवांशिक अध्ययन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में होता क्या है, जो मवेशी हैं उनकी जो मूल प्रजातियां हैं वो अब लुप्त होती जा रही हैं। हाइब्रिड प्रजातियां तो बहुत देखने को मिलती हैं, लेकिन जो मूल प्रजातियां थी वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। तो इन्हीं का अनुवांशिक अध्ययन करेगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अब महाराष्ट्र ने ये घोषणा की है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए जगन्नाथ वासुदेव योजना का शुभारंभ किया? तो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने छात्रों के लिए जगन्नाथ वासुदेव योजना का शुभारंभ किया, यानी किस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, यहां पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ है। कई जगह आपको जगन्नाथ वासुदेव लिखा मिलेगा, कई जगह आपको जगन्ना वास्ती दीवेना भी लिखा मिलेगा, दोनों का मतलब एक है, और कई जगह जगन्ना वासुदेवेन भी लिखा मैंने देखा है। तो ये अलग अलग लिखा मिल सकता है, लेकिन तीनों का मतलब एक ही है। क्या है? जगन्नाथ वासुदेव, जगन्ना वास्तुदीवेन और जगन्ना वास्तुदीवेना, तीनों लिखे मिल सकते हैं आपको, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों का मतलब एक ही है। अच्छा, आज फरवरी का मंथ कंप्लीट हो रहा है, और फरवरी के पूरे मंथ के रिवीजन के लिए मैं अलग से एक ऑडियो बनाऊंगा। अभी फरवरी के लास्ट वीक के रिवीजन का मैंने पूरा ऑडियो बना दिया है, उसको भी आप सुन सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो ऑडियो रिवीजन करके लिंक दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करिए। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो खबरी ऐप ओपन होगा, आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे आपको मेरी एक प्रोफाइल मिलेगी, उसमें फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट ऑडियोज होती हैं वो आपको रेगुलर मिलती रहे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और उनका ऑडियो मैं बनाता हूं, तो उस ऑडियो को आप सुना करो, क्योंकि वहां से आपको कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे युवा अरबपति कौन बने हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना, आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।